हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, गणपति के ऐसे 8 मंदिर जहां खुद प्रकट हुई है उनकी प्रतिमा। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। वही श्री गणेश आदि सनातन धर्म के प्रमुख आदि पंचदेव में भी शामिल है। अन्य भगवान की तरह ही श्री गणेश जी का भी हर साल एक प्रमुख त्यौहार गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। वही दोस्तों, इस दौरान गणेश जी का महोत्सव 10 दिनों तक पूरे देश में जगह जगह पर चलता है। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे अष्टविनायक गणेश मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे में आज आपको देश के प्रमुख गणेश मंदिरों में से एक अष्टविनायक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल पुणे के विभिन्न इलाकों में श्री गणेश के 8 मंदिर हैं, उन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। इन मंदिरों को स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ है कि यह भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, यानी किसी ने उनकी प्रतिमा बनाकर स्थापित नहीं की थी। दोस्तों, इन मंदिरों का जिक्र विभिन्न पुराणों जैसे कि गणेश पुराणों में भी मिलता है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। इन मंदिरों की दर्शन यात्रा को अष्टविनायक तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। अष्टविनायक मंदिर के संबंध में मान्यता है कि तीर्थ गणेश के ये 8 पवित्र मंदिर स्वयं उत्पन्न और जागृत है। धार्मिक नियम से तीर्थ यात्रा शुरू की जानी चाहिए। यात्रा निकट मोरगांव से शुरू कर वही समाप्त होनी चाहिए। पूरी यात्रा 654 किलोमीटर की होती है। दोस्तों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की थी कि हर युग में श्री गणेश विभिन्न रूपों में अवतरित होंगे। सतयुग में विनायक, त्रेता युग में मयूरेश्वर, द्वापर युग में गजानन और धूम्रकेतु नाम से कलयुग के अवतार लेंगे। भगवान गणेश के 8 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों, इस 8 पवित्र तीर्थ में 6 पुणे में है और 2 रायगढ़ जिले में है। सबसे पहले मोरगांव के मोरेश्वर की यात्रा करनी चाहिए और उसके बाद क्रम से सिद्धटेक, पाली, महाड़, थ्यूर, लेन्याद्री, ओझर, रांजनगांव और उसके बाद फिर से मोरगांव अष्टविनायक मंदिर में यात्रा समाप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों अष्टविनायक मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर 1, मयूरेश्वर या मोरेश्वर मंदिर। मयूरेश्वर विनायक का मंदिर पुणे के मोरगांव में स्थित है। दोस्तों, पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारे और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ 4 द्वार भी है जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों युग का प्रतीक मानते हैं। यहाँ गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है और उनकी सूंड बाई है तथा उनकी 4 भुजाएं एवं त्रिनेत्र है। यहाँ नंदी की भी मूर्ति है। कहते हैं कि इस स्थान पर श्री गणेश जी ने सिंद्रासुर नाम के राक्षस का वध मोर पर सवार होकर उससे युद्ध करते हुए किया था। इसी कारण उनको मयूरेश्वर कहा जाता है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर आता है सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर करजत तहसील अहमदनगर में है। यह मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर भीम नदी पर स्थित है। यह मंदिर करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। सिद्ध टेक के में भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थी। वही एक पहाड़ की चोटी पर सिद्धिविनायक मंदिर बना हुआ है। इसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। इस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए पहाड़ की यात्रा करनी होती है। सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। यह गणेश जी की सूंड सीधे हाथ की ओर है। तो दोस्तों, नंबर 3 पर आता है बल्लाड़ेश्वर मंदिर। पाली गांव रायगढ़ में इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर रखा गया है। बल्लाल की कथा के बारे में कहते हैं कि इस परम भक्त को उसके परिवार ने श्री गणेश जी की भक्ति के चलते उनकी मूर्ति सहित जंगल में फेंक दिया था, जहाँ उसने केवल गणपति का स्मरण करते हुए समय बिता दिया था। इसे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे स्थान पर दर्शन दिया और कालांतर में बल्लाल के नाम पर उनका यह मंदिर बना। तो दोस्तों, यह मंदिर पुणे मुंबई हाईवे पर पाली से टोयन और गोवा राजमार्ग पर नागोथाने से पहले 11 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, नंबर 4 पर आता है वरद विनायक मंदिर। रायगढ़ के कोल्हापुर में वरद विनायक मंदिर है।
एक मान्यता के अनुसार वरद विनायक भक्तों की सभी मनोकामना पूरा करने का वरदान देते हैं। एक कथा में ये भी है कि इस मंदिर में नंदादीप नाम का दीपक है जो कई वर्षों से लगातार जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान का दर्शन करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। तो दोस्तों नंबर 5 चिंतामणि मंदिर। 3 नदियों में भीम, मूला और मुथा के संगम पर स्थित थेउर गांव में स्थित है चिंतामणि मंदिर। ऐसी मान्यता है कि विचलित मन के साथ इस मंदिर में जाने वालों की सारी उलझन दूर कर उन्हें शांति मिल जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को शांत करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। तो दोस्तों नंबर 6 पर है गिरिजात्मक अष्टविनायक मंदिर। लेनेत्री गांव में गिरिजात्मक अष्टविनायक मंदिर स्थित है जिसका अर्थ है कि गिरिजा के आत्मज यानी माता पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे लेनेत्री पहाड़ पर बौद्ध गुफा के स्थान पर बनाया गया है। इस पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफा है जिसमें से 8वीं गुफा में गिरिजात्मक विनायक मंदिर है। इन गुफा को गणेश गुफा भी कहा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी होती है। एक और विशेषता यह है कि यह पूरा मंदिर एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। तो दोस्तों नंबर 7 पर है विघ्नेश्वर अष्टविनायक मंदिर। पुणे के ओझर जिले जुन्नर क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। पुणे नासिक रोड पर करीब 85 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर बना है। एक किंवदंती के अनुसार विघ्नासुर नाम का असुर जब संतों को प्रताड़ित कर रहा था तब भगवान गणेश ने इसी स्थान पर उसका वध किया था। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों नंबर 8 पर आता है महागणपति मंदिर। महागणपति मंदिर राजनांदगांव में स्थित है। इस मंदिर को 9वीं-10वीं सदी के बीच माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मंदिर का बहुत ही विशाल और सुंदर प्रवेश द्वार है। यहाँ गणपति की मूर्ति को मोहतक नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह यह मंदिर है अष्टविनायक मंदिर। तो दोस्तों अष्टविनायक मंदिर के दर्शन करने से भगवान गणेश की कृपा अवश्य बढ़ती है। इस अष्टविनायक मंदिर के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और दोस्तों भगवान गणेश की कृपा अवश्य बढ़ सकती है। तो दोस्तों अष्टविनायक गणेश मंदिर की यात्रा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और दोस्तों दर्शन मात्र से नाम लेने से भी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। सिर्फ आपके मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए, दोस्तों आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और मन ही मन गणेश भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपकी इच्छा भी अवश्य पूरी हो सकती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और आपकी जो मन में इच्छा है वो अवश्य बोल दीजिएगा। दोस्तों ये बोलने से आपकी मन की इच्छा अवश्य पूरी होती है और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप करने से और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः ये लिखने से भी आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों कमेंट्स में अवश्य लिखें आपकी मनोकामना, दोस्तों आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ओम गण गणपति नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।